अभिनय की शुरुआत आपने कहाँ से की बचपन में हाँ जी गांव में मेरे गांव में दसवीं क्लास में था नाइन्थ में हुँ. तो मेरे गांव में छठ के दूसरे दिन नाटक होता है अच्छा। बहुत ही अमेच्योर किस्म का तो वहाँ से शुरू किया था नॉर्थ बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज वहाँ से बीस पच्चीस किलोमीटर दूर मेरा गांव है बेलसण नाम का वहीं से उसमें क्या होता था उसमें जैसे आज बोला ना मैं प्रिपरेशन नहीं करके आया हूं तो उसमें सारे एक्टर बिना प्रिपरेशन के आते थे <laughs> तो लाइनें रिहर्स नहीं करते थे जो हमारे गांव के सीनियर एक्टर्स थे वो बोलते थे हम दस नाटक कर चुके हैं मुझसे रिहर्सल करवाओगे तुम बच्चे कर लो तो ऐसा जो जूनियर टेंथ नाइन्थ वालों का काम होता था रिहर्सल और जो चाचा टाइप लोग थे गाँव के जिन्होंने दस नाटक किए बोला अरे मैं कर लूंगा और आके वही लाइन भूल जाते थे और तो स्क्रिप्ट रहती थी नहीं स्क्रिप्ट गांव के नाटकों में डायरेक्टर कर्टन के पीछे होता है पर्दे के पीछे अच्छा इधर हाँ और वो प्रॉम्प्ट करता है उनकी लाइनें बोलता है ये बोलो फिर वो सुन के बोलते हैं जब सुनाई नहीं देता है तो बिना मतलब हंसते हुए पीछे चले जाएंगे <laughs> <laughs> सुनने के लिए तो कई बार वहाँ इमोशनल सीन में भी एक्टर हंस देता है वो इसलिए हंस रहा है कि टाइम पास करना है पीछे जाना है मुझे अच्छा जी यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं तो पीछे जाके कर्टन के पास जाकर सुनेगा क्योंकि विस्पर में डायरेक्टर जो है वो बहुत विस्परिंग में उसको संवाद दे रहा है कि आपकी लाइनें क्या होने वाली हैं आप क्या उल बोल रहे हो तो वो जाकर सुनते थे पीछे तो आपके साथ भी ऐसा होता था नहीं मैं वहां भी याद करके जाता था क्योंकि जब हम मेरी शुरुआत थी नया नया था तो डरे रहते हैं डरे रहते हैं तो हम थोड़ी ज्यादा तैयारी करके आते हैं वो बताते हैं मनोज वाजपेयी जी भी उधर ही पास कहीं हैं हाँ हाँ बिल्कुल नदी गंडक के उस पार के उनको देख के इंस्पायर हुए आप क्योंकि वो पहले आ गए वो पहले सक्सेसफुल हाँ बिल्कुल हुए उन्हीं के अखबार का कतरन पढ़ा था कि बेलवा से बॉम्बे की जर्नी आई थिंक अजय ब्रह्मात्म जी ने लिखा था वो जागरण में तो पढ़ के मुझे लगा तो नदी के उस पार का चला गया तो हम भी जा सकते हैं तो मालूम नहीं था कितनी मुश्किलें हैं कितनी चुनौतियां हैं बट वो प्रेरणा है मेरे कैसी मुश्किलें आई बहुत सारी मुश्किलें आई नाना प्रकार की मुश्किलें आई अलग अलग किस्म की अब एक हलवाई अपनी मिठाई की दुकान जमा के बैठा है और वहाँ कोई दूसरा आए दुकान खोलने थोड़ी आसानी से खोलने देगा तो प्लस वहाँ दुकान की भी बात नहीं है अब ये टैलेंट को मापना बड़ा मुश्किल काम है माथे पे लिखा तो है नहीं कि जी ये टैलेंटेड एक्टर हैं तो अब टैलेंट को का कोई क्राइटेरिया ही नहीं मिलता है और सिनेमा में खास करके आप ऑडिशन में जाओ ऑडिशन में इतनी भीड़ है इतने लोग हैं तो वो तो बहुत मुश्किल है ब्रेक थ्रू करना कि वो आप कैसे अपने प्रतिभा को बताओगे रन फिल्म के ऑडिशन में गए थे हमने कुछ कहा सुनी थी। हाँ हाँ नहीं मैं नहीं गया था वो आए थे वो आए थे मेरी पहली फिल्म में ही मैं मुझे जाना नहीं पड़ा था बहुत छोटा पार्ट था तो उसके लिए वो एक्टर खोज रहे थे उनका कोई एक्टर फाइनल किया भाग गया था वो तो अचानक शूटिंग के एक घंटे पहले एक्टर ढूंढने लगे दिल्ली में ही तो किसी ने बोला कि एक, एक एक्टर है कॉमेडी अच्छी करता है सोया हुआ है उधर मैं सोया हुआ था <laughs> तो जाओ उसको तो आए तो मुझे जगाया गया उठो मतलब आप कौन जी जीतो फिल्म देने आया हूँ मैं बोला अरे यार ये कैसा आदमी है तो पहली फिल्म मुझे सोते हुए मिली थी और उसके बाद जागने दौड़ने पर भी फिल्में नहीं मिलती थी भागा ही दस साल भागते रहे आराम नगर तो ऐसे ही वो तो ऐसे ही दो सीन का छोटा सा पार्ट था और कोई एक्टर नहीं मिल रहा था किस्मत मेरी कि मैं उस वक्त दिन सोया हुआ मिल गया कास्टिंग हो गई तब आप यहाँ रहते थे दिल्ली दिल्ली में रहता था जी दिल्ली में कहाँ मैं गीता कॉलोनी में जमनापार तो गंगा पार से पार आ गया जी जी गंगा पार से पार आ गए गीता कॉलोनी कितने वक्त रहे आप मेरे ख्याल से छः सात महीना आठ महीना रहा होगा अच्छा छः महीने रहा होगा बहुत सुंदर एक मकान का ऊपरी हिस्सा था और उसके सामने आ, आ, बच्चों का स्कूल चलता था और उस स्कूल में सुबह छत पे लाफ्टर क्लब चलता था कुछ बुजुर्ग लोग आते थे और हंसते थे सुबह छः बजे और हमारे पड़ोस में एक सितार वादक थे तो रोज रात में वो सितार बजाते थे तो उसकी स्मृतियाँ बहुत हैं रात में सितार सुबह लाफ्टर हाँ, उस सितार बजा के सुलाते थे एक बढ़िया सा राग नाइट वाला कोई रात का धुन बजा के और उनको सुन के सोना और सुबह में लाफ्टर क्लब से उठना इतनी हसीन जीवन था। <laughs> सिर्फ सब कठिनाई यही थी कि पता नहीं था करना क्या है सो अच्छे से रहे थे जग अच्छे से रहे थे करना क्या यह मालूम नहीं था तब आपकी शादी हो चुकी थी हां हां बिल्कुल शादी हो गई थी आप शादीशुदा गए थे स्ट्रगल करने जी जी शादीशुदा बोरिया बिस्तर किताबें बर्तन लेके गया था बॉम्बे बॉम्बे हाँ मतलब घर भी नहीं खोजा था मैं अपने दोस्त के घर में रहा ऐसे होता है आमतौर पर कि एक रेंट का घर ले लें तब आएंगे पत्नी को लेके तो हम दोनों मेरी पत्नी बड़ी धाकड़ महिला है तो हम दोनों ने ऐसे ही चल दिए दोस्त का घर था उस टू बी था तो उसने बोला मेरे एक बेडरूम में रह लो तुम लोग तो उसके यहाँ एक महीने रहे फिर जीवन शुरू किए कब आपको लगा कि अब आप सफल हो गए वो तो कभी नहीं लगा अभी भी नहीं लगता है <laughs> क्योंकि सफलता का मापदंड कुछ नहीं है ना सर मैं थोड़ा आध्यात्मिक आदमी हूँ बहुत जल्द मैं प्रवचन के मूड पे भी आ जाऊँगा क्योंकि आपने सफलता से संबंधित सवाल पूछ लिया तो सफलता का कोई मापदंड नहीं है कई बार बहुत पैसे होने के बाद भी नींद नहीं आती है घर बहुत बड़ा है बिस्तर छः बाई छः का ही होगा तो मैं थोड़ा वैसा वाला व्यक्ति हूँ बट ये या सफलता अगर या दुनियावी सफलता की सांसारिक सफलता की बात करें तो वो मेरे ख्याल से सफलता नहीं कहूँगा न्यूटन के बाद एक नेशनल अवार्ड मिल गया तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार कम से कम नेशनल अवार्ड एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें किसी किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप नहीं होता है और उसमें एक तो उस न्यूटन के बाद से मुझे आ, लगने लगा था कि यार ठीक ठाक अब अब ठीक है जीवन ठीक चल रहा है ये जो और दूसरे बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं फिर उस, उनकी चाहत नहीं बढ़ी हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं है आ, नेशनल अवार्ड की थी वो मिल गई आगे भी उम्मीद करता हूँ मिलेगी और अमृत रत्न जी अमृत रत्न बहुत बढ़िया धन्यवाद न्यूज 18 का आप सभी का अमृत और रत्न दोनों दे दिया मुझे <laughs> तो अमर हो जाऊंगा मैं अभी कभी आपने सोचा था जब हम बचपन में थे तो शोले वगैरह इन सब के डायलॉग की बात होती थी सलीम जावेद के डायलॉग आज लोग पंकज त्रिपाठी के, के डायलॉग की बात करते हैं हुँ. कभी आपने सोचा था कि आपकी डायलॉग डिलीवरी इतना बड़ा कल्ट स्टेटस ले लेगी नहीं नहीं सोचा था और इनफैक्ट मैं मैंने काम भी बहुत ज़्यादा नहीं किया है कि मैं अपने एक पैटर्न बनाऊँ ऐसा मैं इरफान साहब से बहुत प्रभावित था इरफान खान साहब से मैं मुझे लगता था कि एक्टिंग इनकी जैसी होनी चाहिए आ, पर लगा कि मैं इनके जैसा करूंगा तो ये तो ऑलरेडी हैं तो मुझे कुछ और तलाश खोजना पड़ेगा तो मैंने नहीं सोचा था कि और ना ही मैं अपने डायलॉग डिलीवरी के संवाद अदायगी के क्राफ्ट पर बहुत काम किया है मैं आप अगर ध्यान से सुनेंगे मेरी संवादों को तो आरोह अवरोह बहुत कम मिलेंगे उतार चढ़ाव वो स्ट्रेस तुम यहाँ क्या कर रहे हो